हेलो फ्रेंड्स, रूपांजलि कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा। वैसे तो हम घर में कई तरह के मीठे व्यंजन बनाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी गेट टुगेदर या पार्टी के लिए कुछ खास डिजर्ट बनाने का मन करता है। मार्केट में कई तरह की मिठाइयाँ और डिजर्ट्स रेडीमेड अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ डिजर्ट ऐसे होते हैं जो बाजार में आसानी से नहीं मिलते। शाही टुकड़ा एक ऐसा ही 5-स्टार डिजर्ट है जो मैं आपको एकदम डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। चलिए देखते हैं। शाही टुकड़ा बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 4 ब्रेड स्लाइसेस। आप इसके लिए ताजे या फिर बचे हुए ब्रेड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप दूध लेना है, ये 200 ml है। 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क या मिल्क मेड लेना है। 1/2 कप शक्कर, 1/2 कप पानी। शक्कर की चाशनी बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून घी लेना है। 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। 10 से 12 बादाम। और लेना है केसर, क्योंकि कोई भी शाही डिश केसर के बिना अधूरी लगती है। अब स्टेप नंबर 1 में बादाम के पतले और लंबे पीसेस कट करने हैं इस तरह से, और अब इन्हें घी में हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इन्हें बस 1/2 से 1 मिनट तक ही फ्राई करना है। इनमें बस थोड़ा सा क्रंचीनेस लाना है। ये अगर ज़्यादा फ्राई हो गए तो इनकी टेस्ट कड़वी बन जाती है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिए। अब आती है स्टेप नंबर 2। इसमें 1/2 ब्रेड का स्लाइस लेना है और उसे थोड़ा कड़क बनने तक तवे पे सेकना है। इसमें बटर या घी कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाने वाले हैं। शाही टुकड़े में जो रबड़ी मिक्सचर हम बनाने वाले हैं, उसमें इन ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये अभी कड़क हो गया है, तो इसे 2 मिनट के लिए ठंडा करते हैं और उसके बाद मिक्सी में पीस लेते हैं। ये ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। अब आती है स्टेप नंबर 3। हमने जो 1 कप दूध लिया है, उसमें से 1/2 कप दूध एक बोल में लेना है और उसमें मिक्स करनी है कस्टर्ड पाउडर। और अब बनाना है रबड़ी मिक्सचर, तो पैन में डालना है 1/2 कप दूध। और उसमें डालना है कंडेंस मिल्क। और अब इसमें 1 उबाल आने तक मिक्स करना है। इसके बाद इसमें डालना है दूध और कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर और बस 2 मिनट के लिए पकाना है। मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो अब इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। और बस 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। व्यूअर्स, शाही टुकड़े में जो रबड़ी इस्तेमाल होती है वो एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। कई लोग रेडीमेड रबड़ी इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्रेड में अच्छे से सोक नहीं होती। कुछ लोग दूध को 1/2 घंटे तक कढ़ा के ड्राई फ्रूट्स डाल के रबड़ी बनाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होती है। तो मैंने ये जो रबड़ी मिक्सचर तैयार किया है, उसमें कंडेंस मिल्क है, कस्टर्ड पाउडर है, जिनका स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है, और ब्रेड क्रम्स की वजह से इसमें अच्छी गाढ़ी कंसिस्टेंसी भी आती है और इस रबड़ी की टेस्ट बहुत अच्छी बनती है। अब रबड़ी में डालना है थोड़ा सा केसर और गैस को करना है बंद। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, जिसमें ब्रेड के ट्रायंगुलर पीसेस कट करने हैं।
और अब ब्रेड्स के दोनों साइड्स पे जनरसली घी लगाना है और इन्हें ब्राउन कलर आने तक तवे पे सेकना है। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, इसलिए मैं यही मेथड प्रीफर करती हूँ। ये देखिए, ये तैयार हो गए हैं, तो इसी तरह बाकी के स्लाइसेस भी रोस्ट करते हैं। अब आती है स्टेप नंबर 5। हमें शक्कर की एक तार की चाशनी बनानी है। उसके लिए शक्कर में डालना है पानी और मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाना है। ये देखिए, इसमें झाग आ गया है और ये एक तार की चाशनी बन गई है। चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, तो गैस को करेंगे बंद और इसे बस 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। अब ब्रेड स्लाइसेस को एक एक करके चाशनी में डिप करना है और प्लेट में रखना है। याद रखिए, चाशनी ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है, क्योंकि फिर ये ब्रेड में अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होगी। जो रबड़ी मिक्सचर हमने बनाया था वो एकदम गाढ़ा बन गया है, तो जो बचा हुआ दूध है वो इसमें डालेंगे और इसे हल्का गर्म करेंगे। और अब रबड़ी को डालेंगे ब्रेड के ऊपर। ब्रेड जितना ज़्यादा रबड़ी को एब्जॉर्ब करेगा, शाही टुकड़ा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। अब इसके ऊपर डालते हैं केसर और बादाम। शाही टुकड़े को कम से कम आधे घंटे तक सेट होने के लिए रख देते हैं। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये जितना ज्यादा रबड़ी में सोक होगा उतना ही बेहतरीन बनेगा। तो मैं आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। फिर से मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।